कॉलेज के हॉस्टल का उपयोग नहीं करने, हॉस्टल खर्चे का भुगतान एनएचएम विभाग जयपुर से सीधा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के बैंक खाते में करवाने को लेकर राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हम भीलवाड़ा जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का 6 महीने का ब्रिज कोर्स 20 सितम्बर 2021 को शुरू हुआ, तब से हम सभी अपने अपने स्तर पर रहने, खाने और आवागमन की सुविधाएं आदि कर रहे हैं और हम सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आगे भी स्वयं की व्यवस्था अपने अनुसार कर लेंगे, इसलिए हम सभी को कॉलेज के हॉस्टल के किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं चाहिए। साथ ही एनएचएम के आदेश के अनुसार सरकारी ट्रेनिंग सेंटर के सीएचओ की भांति हमारा भी आवास एवं खाने का भुगतान सीधा सीएचओ के बैंक खाते में करवाने की कार्रवाई तुरंत प्रभाव से करवाई जाए। सभी को जीवन यापन करने के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर मानसिक दबाव डाला जाता है। हम सभी को हॉस्टल की सुविधाएं लेने के लिए प्रतिबद्ध किया जाता है। हम हमारी पीड़ा को आपके समक्ष रखते हुए बताना चाहते हैं कि RUHS जयपुर ने सभी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज डायरेक्टर्स से हॉस्टल उपलब्ध नहीं करवाने से संबंधित सहमति ले ली गई थी, परंतु अचानक से कॉलेज प्रशासन अब हमको रोज मानसिक रूप से परेशान करते हैं। उन्होंने मांग की कि सभी सीएचओ के साथ भविष्य में कॉलेज प्रशासन दबाव ना बनाए, उसके लिए उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही RUHS के पैसे सीधे सीएचओ के बैंक खाते में ट्रांसफर करवाने की कार्रवाई तुरंत प्रभाव से करवाई जाए। हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है, उससे पहले जब हमें मई में अपॉइंट किया गया था एज ए कोविड वॉरियर, और उस टाइम पे भी हमारा शोषण करके इन्होंने 7900 में हमें अपॉइंट किया और हमारी सेवाएं ली, उसके बावजूद भी हमारे साथ अन्याय पे अन्याय होता जा रहा है। और अभी हमें जब एज ए ट्रेनिंग अपॉइंट किया है जिला लेवल पर, और अलग अलग कॉलेज अपॉइंट किए हैं, और जो कॉलेज हमें अलॉट किए गए हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि भी जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो अपनी मर्जी से जाके उन्होंने ज्वाइन किया है वहाँ पर, जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो भी गवर्नमेंट के थ्रू गए हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेज में हैं वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही हैं। तो हमारा कहना ये है कि उनके साथ पार्शियलिटी क्यों, पक्षपात किया जा रहा है, सरासर अन्याय है प्राइवेट कॉलेज वालों के साथ भी। जिस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज वालों को 10,000 रुपये प्रति माह जो स्टाइपेंड के तौर पर दिया जा रहा है, वो प्राइवेट कॉलेज वालों को भी दिया जाए, और इसी के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो जो कॉलेज मैनेज के साथ कॉलेज मैनेज करे, या फिर स्टूडेंट को डायरेक्ट अपने खाते में दिया जाए।